गुड आफ्टरनून प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक पतंग का अनुशासन के अंतर्गत आपको अनुशासन के महत्व और उससे प्राप्त होने वाले जो आदर्श हैं उसके संदर्भ की चर्चा हम लोगों ने किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि मकर संक्रांति के अवसर पर देश के अनेक राज्यों में लोग अपने घरों पर पतंग उड़ाकर और खुशी का एहसास महसूस करते हैं। यह एक उत्कृष्ट कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ इस त्यौहार की संस्कृति किस प्रकार से परिवर्तित होता रहे, हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार से आदर्शोन्मुखी बनता रहे, यह संदेश भी इसके माध्यम से हमने सीखा है। वास्तव में पतंग के द्वारा हम जीने की कला को सीखते हैं। आज पुनः पाठ की अग्र पंक्तियों के द्वारा पाठगत बातों से आपको हम अवगत करा रहे हैं। पतंग का आशय है अपार संतुलन, नियमबद्ध नियंत्रण, सफल होने का आक्रामक जोश और परिस्थितियों के अनुकूल होने का अद्भुत तालमेल। वास्तव में देखा जाए तो तीव्र स्पर्धा के इस युग में पतंग जैसा व्यक्तित्व उपयोगी बन सकता है। पतंग है मुक्त आकाश में विचरण करने की मानव की सोई इच्छाओं की प्रतीक। पतंग आक्रामक एवं जोशीले व्यक्तित्व को भी की भी प्रतीक है। पतंग के कन्ने संतुलन की कला सिखाते हैं। कन्ना बांधने में थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर पतंग यहाँ वहाँ डोलती है, यानी यही संतुलन नहीं रह पाता, यानी सही संतुलन नहीं रह पाता। इसी तरह हमारे व्यक्तित्व में भी संतुलन न होने पर जीवन गोते खाने लगता है। हमारे व्यक्तित्व में संतुलन होना आवश्यक है। आज के इस तेजी से बदलते आधुनिक परिवेश में प्रगति करनी हो तो काम के प्रति समर्पण की भावना आवश्यक है। इसके साथ ही परिवार के प्रति अपनी जवाबदारी भी निभाना अनिवार्य है। इन परिस्थितियों में नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन रखना अति आवश्यक हो जाता है। इसमें हुई थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी की पतंग को असंतुलित कर देती है। प्रस्तुत अवतरण में पतंग के द्वारा मनुष्य का जो जीवन है विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी किस प्रकार से आक्रामक और संतुलित रहे, इस बात को रेखांकित किया गया है। लेखक हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि पतंग जब आकाश में विचरण करता है तो अनेक परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, लेकिन इसके पश्चात भी वह पतंग और पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति का जो एक सोच है, विचार है, वह सकारात्मक है। सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरणा देने वाला भाव है। और इसी प्रकार से यदि मनुष्य अपने जीवन में तालमेल बैठा करके आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करता है, स्पर्धा करता है, तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हो जाता है बिल्कुल उपयोगी बन जाता है। आकाश में विचरण करने वाला पतंग हमारी सुसुप्ता अवस्था में जो विचार हैं उसको जागृत कर करके ऐसे आधार पर पहुंचाने का प्रयास करता है जिससे हमारी भ्रम दूर होती है। जीवन का जो कला है वह सरलता के साथ अग्रसर होता है और इस प्रकार की जो कला है
उस पतंग के द्वारा सीखने के पश्चात जीवन के उड़ान पर जब हम चलते हैं तो हमें बड़ी सुविधा और आराम प्रतीत होती है, मिलता है। स्वाभाविक रूप से हमारे व्यक्तित्व में भी इस प्रकार का संतुलन का होना एकदम अनिवार्य है, अन्यथा जीवन का जो उतार चढ़ाव है इस उतार चढ़ाव में हम अपना संतुलन खो कर करके जो भी हमारी प्रगति के रास्ते हैं स्वतः बंद हो जाएंगे, उनमें नाना प्रकार की अड़चनें, मुश्किलें, परेशानियां, बाधाएं आकर के खड़ी हो जाएंगी। यह तभी संभव है जब हम अपने मन मस्तिष्क को संतुलित कर करके एक नियमबद्ध तरीके से नियंत्रित होकर के संतुलित होकर करके, क्योंकि अनुशासन का अभिप्राय है शासन के पीछे चलना, उसका अनुकरण और अनुसरण करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसके साथ साथ हमारा जो मानवीय विकार है स्वतः खत्म होगा, एक नई जीवन में आशा का संचार होगा, परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी और उन रास्तों पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे जो रास्ते हमारे लिए निश्चित रूप से दुर्गम थे, हमारे सुगम बनते चले जाएंगे। और इसका सबसे शुद्ध प्रभाव हमारे परिवार पर, समाज पर और राष्ट्र पर पड़ेगा, क्योंकि अंततः परिवार के सदस्य होने के नाते परिवार की जवाबदेही हमारे कंधों पर होता है, समाज का एक अभिन्न व्यक्ति होने के नाते समाज का सदप्रभाव भी हमारे उस समाज पर पड़ता है और राष्ट्र इसे कहीं अलग नहीं है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं मानवीय सोच के अनुकूल हो, अनुशासन के अनुकूल हो, व्यवस्थित हो, संतुलित हो, नियंत्रित हो, तो स्वाभाविक रूप से जो सारे रास्ते हैं स्वतः प्रशस्त होंगे और व्यक्ति, समाज, परिवार और राष्ट्र निश्चित रूप से अत्यधिक समृद्ध होगा, उत्कृष्ट होगा, उदार होगा, आदर्शोन्मुखी होगा और इस प्रकार से हमारा जीवन सरल होगा और जीवन जीने की जो कला हमने पतंग से सीखी वह हमारे लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए एक आदर्श होगा। अगर ऐसा कह करके हम चलते हैं तो हमारा जो संतुलन होगा, व्यक्तिगत संतुलन, वह भी इतना प्रभावी होगा कि हमारे जो आभा है, चमक है, उसकी जो प्रखर रोशनी है, उसे पूरा का पूरा समाज, विश्व लाभान्वित होगा और इस प्रकार से हम श्रेष्ठता के द्योतक बन जाएंगे। तो प्रस्तुत जो अवतरण है, इन अवतरणों में इन बातों को रखा गया है, इन बातों को मैंने समझाया। इसके बाद पतंग से सीखने लायक दूसरा गुण है नियंत्रण, अपने आप को संयमित करना, नियंत्रित करना। खुले आकाश में उड़ने वाली पतंग को देखकर लगता है कि वह अपने आप ही उड़ रही है, लेकिन उसका नियंत्रण डोर के माध्यम से उड़ाने वाले के हाथ में होता है। डोर का नियंत्रण ही पतंग को भटकने से होता है। हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं, अगर उस पर व्यक्ति का नियंत्रण ना हो तो किस दशा में जाएगा, किस दिशा में जाएगा, उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, उसका जो स्वरूप और प्रकृति होगी हमारे लिए कितनी विभत्स होगी, इस बात की जानकारी इस पैराग्राफ में, इस अवतरण में आपको प्राप्त होंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है उसको नियंत्रित करना। वह नियंत्रण उस व्यक्ति के माध्यम से होता है जो व्यक्ति पतंग उड़ाता है। ठीक मनुष्य भी उसी प्रकार से अपने विचारों की उड़ान में, अपने सोच के उड़ान में या अन्य प्रकार के जो उड़ान है उसको अगर नियंत्रित करके, संतुलित करके चलता है तो निश्चित रूप से उसे भटकने का डर नहीं होता और जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, वहां तक पहुंचने में उसे समय भी नहीं लगता। तो उपयुक्त जो पंक्ति है उसमें संतुलन और नियंत्रण के बारे में आपको बताया गया। इसके बाद अगले क्लास में पुनः पाठ को नियमित करते हुए अन्य बातों की जानकारी आपको दी जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।